Lesnar is here. Tonight marks Brock Lesnar's first appearance on in nearly 2 years. However, had he returned at SummerSlam, the Beast proclaiming he's back. He blew the roof off the stadium in Las Vegas when his music... Because of Roman Reigns and Paul Heyman. Now listen, no need to worry. As you can see, I'm dressed to fight. Standing here dressed to fight, I challenge you right here in this room. दोस्तों लेटेस्ट रूमर्स के मुताबिक ब्रॉक लेसनर जल्द ही WWE में रिटर्न करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रॉक लेसनर पिछले लगभग एक साल से WWE में नासने आ रहे हैं। जाने के बाद इंसिडेंट के बाद सभी फैंस को लगा कि ब्रॉक लेसनर का WWE में करियर एंड हो गया है। लेकिन इस साल के रसलमेने के बाद ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लेसनर अभी भी WWE सुपरस्टार है। ट्रिपल एच ने यह भी कहा कि ब्रॉक लेसनर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, वह जल्द ही रिटर्न करेंगे। हम सभी ने स्मार्टडाउन के मई 10 के एपिसोड के दौरान लॉगन पॉल को कोडी रोड्स का नेक्स्ट ओपनर बनते देखा। फिर मई 17 को स्मार्टडाउन के एपिसोड में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई। अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए उनका मैच WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में होगा। रिपोर्ट्स में कहा है कि कोडी रोड्स इस मैच को आसानी से जीत लेंगे। इस मैच के बाद WWE क्लैश ऑफ द कैसल प्रीमियर लाइन के लिए स्कॉटलैंड जाएगा। रेसलिंग ऑब्जर्वर वेबसाइट ने बताया कि अगर ब्रॉक लेसनर अब वापसी करते हैं तो वह कोडी रोड्स या प्रीस्ट को चुनौती दे सकते हैं। WWE ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि 2026 समरसलैम मिनियापोलिस मिनेसोटा में होगा। यह ब्रॉक लेसनर का ऑन डाउन है और कुछ रिपोर्ट्स में कहे कि लेसनर ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ उस इवेंट में रिटायर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इस रूमर्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।